सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। सुप्रभात। मन्ना जी को सादर प्रणाम और आज के वेबिनार में जितने भी उपस्थित हैं उनको मेरा प्रणाम। आरजेएस डीजे एपी एसकेबीएस के आज़ादी की अमृत गाथा के 32वें अंक में आरजेएस फैमिली की ओर से मैं सविता सहाय, संस्कृत शिक्षिका, आरजेएस सकारात्मक सूचना केंद्र जमशेदपुर झारखंड से हूँ। भारत के वकील, लेखक, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की जयंती 10 दिसंबर पर श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उनका जन्म दक्षिण भारत के सलेम जिले में थोरापल्ली नामक गांव में हुआ था। वे राजा जी नाम से भी जाने जाते हैं। वे स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। उन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी की प्रचार प्रसार के लिए बहुत कार्य किया। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, जिन्हें प्यार से लोग राजा जी कहकर बुलाते थे, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के प्रथम हकदार और भारत के आखिरी गवर्नर जनरल राजगोपालाचार्य जी ने देश की स्वतंत्रता संग्राम में अहम रोल निभाया है। 1937 में चक्रवर्ती के नेतृत्व में कांग्रेस ने मद्रास प्रांत में विजय प्राप्त की। उन्हें मद्रास का मुख्यमंत्री बनाया गया। 1946 में देश की अंतरिम सरकार बनी। उन्हें केंद्र सरकार में उद्योग मंत्री बनाया गया। 1947 में देश के पूर्ण स्वतंत्र होने पर उन्हें बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इसी वर्ष सरदार पटेल की मृत्यु के पश्चात वे केंद्रीय गृह मंत्री बनाए गए। 1952 के आम चुनावों में लोकसभा सदस्य बने और मद्रास के मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए। कुछ वर्षों बाद कांग्रेस की नीतियों के विरोध में उन्होंने मुख्यमंत्री पद और कांग्रेस दोनों को ही छोड़ दिया और अपनी पृथक स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की। 1946 में देश की अंतरिम सरकार बनी। उन्हें केंद्र सरकार में उद्योग मंत्री बनाया गया। 1947 में देश के पूर्ण स्वतंत्र होने पर उन्हें बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। उसके अगले ही वर्ष वह स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जैसे अति महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किए गए। 1950 में वे केंद्रीय गृह मंत्री बने। 1952 में वे मद्रास के मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए। 1954 में भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले राजा जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जो गहराई और तीखापन उनके बुद्धि चातुर्य में था वही उनकी लेखनी में था। वे तमिल और अंग्रेजी के बहुत अच्छे लेखक थे। गीता और उपनिषदों पर उनकी टीकाएं प्रसिद्ध हैं। चक्रवर्ती थरुंगम पर साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किए गए। अपनी वेशभूषा से भारतीयता के दर्शन कराने वाले इस महापुरुष का 25 दिसंबर 1972 को देहांत हो गया। ऐसे स्वतंत्रता सेनानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को आरजेएस फैमिली की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।